अनायास ही ये प्राकृतिक सौंदर्य फ्रेंड मुझे अपनी ओर आकर्षित कर देता है। अपनी छत से दिखते हुए इस प्राकृतिक सुंदरता को आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कितना सुंदर, कितना क्लियर आज मौसम हो रहा है। बहुत क्लियर तो नहीं, लेकिन क्षितिज पे आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मसूरी देखिए कितना क्लियर जो है नज़र आ रहा है, यहाँ से देखिए। ये देखिए सो ब्यूटीफुल। तो आ जाइए फ्रेंड इस प्राकृतिक सुंदरता से मेरी छत पर। मैं आशा, आपका स्वागत है आशा की गार्डनिंग में, मेरी खुशियों की बगिया में। खुशियों की बगिया में फ्रेंड, खुशियों के बगिया में आकर के जितना आनंद मुझे मिलता है, इतना आनंद मुझे किसी काम को करने में नहीं मिलता है। बहुत प्रसन्न जो है मन हो जाता है इन सब चीज़ों को देख करके, और स्पेशली किचन गार्डन में फ्रेंड। किचन गार्डन की तो बात ही कुछ और है। किचन गार्डन का जो है प्लांट का लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है, और छोटे से लाइफ साइकिल में आपको सब कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप किसी प्लांट के लाइफ साइकिल को बहुत आराम से देखेंगे, उसको समझेंगे, उस पर मनन करेंगे, तो आपको लगेगा कि वाकई में जैसा इस प्लांट की लाइफ साइकिल है, वैसी जो है पूरी सृष्टि की रचना जो है ईश्वर ने करी है। और उसी तरीके से वीडियो आप सबकी स्पेशल रिकमेंड पे फ्रेंड, बहुत लोगों ने जो है मुझे कहा है कि प्लीज़ और प्लीज़ से आप कद्दू के पत्तों की सब्जी बना करके हमें दिखाएं कैसे बनती है, हमें बताएं इसकी रेसिपी। बहुत इजी है, कुछ अलग नहीं। कद्दू के पत्तों की सब्जी बनाने के लिए एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना होता है फ्रेंड। कद्दू के जो ये बहुत ही नाजुक नाजुक पत्ते हैं, अगर आप इस तरीके के पुराने पत्ते निकालेंगे तो उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। जो आप ये देखिए इस इतनी सी उसमें जो है मुश्किल से ये तीन पत्ते जो है हमारे काम के हैं, बाकी जो है ये नहीं लेने हैं हमको। तो ये इस तरीके से दो पत्ते ले लिए, और जो इसकी टिप है प्लांट की ये भी हमें ले लेनी है, क्योंकि इसके को जरूर से यूज करें, क्योंकि ये तो फिर से टिप्स तो बहुत आ जाएंगी। देखिए मैंने अगर कहीं से हार्वेस्ट किया होगा तो देखिए कितने सारे मुझे टिप्स मिले हुए हैं। तो इस तरीके से जो है आप इनको ले करके ये देखिए है ना, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है फ्रेंड कि जो लीव्स हैं वो बहुत मुलायम हो, नहीं तो जो है थोड़ा सा जो है बहुत करकरी जो है वो सब्जी हो जाएगी आपकी, और वो खाने लायक नहीं रहेगी। तो इस तरीके से आप देखिए मैंने कितने कितने नाजुक पत्तों को जो है निकाला है। और चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको ये कद्दू के पत्तों को इस टाइप से आपको छीलना है। ये इसके आपके इसको आपको इसके रेशे हटा देने हैं, क्योंकि अगर इसके रेशे रहेंगे तो फिर ये बहुत जो है करकरी ये सब्जी हो जाएगी। और इतने सॉफ्ट पत्ते आपको लेने हैं ताकि ये अच्छी हो और आराम से जो है ये पक जाए। ये देखिए ये इस टाइप से आपको ये करना है। ये मैंने एक जो है टिप ले ली थी प्लांट की, और ये टिप के जो है आपको ये भी इस टाइप से हटाने हैं। तो इस टाइप से जो है ये पूरा प्रोसेस होगा। अभी क्योंकि पीछे से तो ये साफ़ हो चुकी थी, लेकिन ये आगे वाला पोर्शन अभी साफ़ नहीं हुआ, तो उसको मैंने फिर इसलिए पीछे से हटा दिया, पीछे से ब्रेक कर दिया। और ये अब आपको इस टाइप से तो ये सारी प्रोसेस इस टाइप से करनी है फ्रेंड आपको। तो साफ़ कर लें फ्रेंड, और उसके बाद आइए चलते हैं कैसे बनती है कद्दू के पत्तों की सब्जी। सब्जी बनाना सीखा तो फ्रेंड ये कद्दू के पत्ते मैंने लेकर के आई, उन्हें अच्छे से मैंने आपको बताया था कैसे आपको उनके रेशे निकाल के उन्हें साफ़ करना है, और फिर मैंने उनकी धुलाई करके ये इस तरीके से आपको इनको बिल्कुल फाइन चॉप कर देना है। जितना आपसे हो पाए उतना फाइन चॉपिंग आपको करनी है इसकी। और उसके बाद मैंने यहाँ रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल। और इसका जो एक मेन स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है फ्रेंड, वो ये हमारा होता है जख्या। पहाड़ में ये जख्या मिलता है, तो इसको इसके बिल्कुल बारीक से इसके दाने होते हैं ऐसे, ये देखिए राई के दाने की तरह। तो इसको जरूर इसको डालने से जो है इसके स्वाद में जो है दुगनी तिगनी। रेड चिली, तो रेड चिली को मैं जो है इसमें तोड़ करके डालूंगी।
इस टाइप से। ये दो जो है मेरे इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इस तरीके से जो है जब ये रेड चिली जो है थोड़ा ब्राउन से हो जाए तो फिर इसको थोड़ा पॉज कर दें। ये देखो फ्रेंड, ये मैंने बिल्कुल फाइन चॉप अच्छे से जो है इसको कर दिया है। इसी तरीके से आपको भी करना है। जितना आप इसको फाइन चॉप करेंगे उतना इसका टेस्ट बढ़ेगा। तो ये इस टाइप से जो है, अब आपको मैंने इसमें बताया था ये जो है मेरी ये ब्लैक हो चुकी है मेरी रेड चिली। अब जो है इसके बाद इसको आप इसमें कर दीजिए। ये थोड़ा सा जो है मैंने इसमें टर्मरिक और थोड़ा सा जो है धनिया, इसको मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है। और बिल्कुल एक पिंच जो है मैंने इसमें रेड चिली डाली है, रेड चिली पाउडर डाला है, क्योंकि मैं रेड चिली पहले ही डाल चुकी हूँ। तो इस तरीके से लगभग मैंने ये हाफ टी स्पून, ग्रीन वेजिटेबल्स में आप मसालों का जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना टेस्ट आपकी वेजिटेबल में आएगा। तो और उसके साथ नमक आप स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लीजिए। गैस मैंने थोड़ा बंद कर दी थी, गैस में फिर से गैस और गैस को कर देंगे सिम। अब देखते हैं थोड़ी देर बाद। चलिए तब तक के तो ये लीजिए फ्रेंड, ये रेडी है कद्दू के पत्तों की सब्जी। और अब जो है मैं इसको इंजॉय करूँगी। और आप भी बनाइए कद्दू के पत्तों की सब्जी और इन्जॉय कीजिए उस सब्जी को। आई एम श्योर कि आप इस कद्दू के पत्ते की हरी सब्जी के सामने जो है सारी हरी सब्जियों को भूल जाएंगे। मुझे तो इतनी ज़्यादा पसंद है कि मुझे सबसे ज़्यादा जो है ग्रीन वेजिटेबल में कद्दू के पत्तों की सब्जी मुझे पसंद आती है। बाकी टेस्ट तो अपना अपना है, किसी को शाही पनीर पसंद है तो किसी को चिली पनीर पसंद है। आप भी ट्राई कीजिए और देखिए, क्या पता आपकी भी ये फेवरेट ग्रीन वेजिटेबल बन जाए। और इसके साथ ये दो तरीके से बनती है, ये तो ड्राई बन गई है, इसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं। और इसका जो है साग बनता है वो आप अरबी के पत्तों के साथ मिला करके बनता है। तो आप कहेंगे तो कभी मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये मेरे जो है बहुत स्पेशल लोगों के लिए, जिन्होंने मुझे कमेंट करके कहा था कि प्लीज़ और प्लीज़ से आप कद्दू के पत्तों की रेसिपी की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कीजिए। तो इस तरीके से फ्रेंड, बाकी थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो बहुत अच्छे लगते हों तो आगे भी शेयर करें फ्रेंड। बस